जिन बच्चों इसमें आप लोग महामनेश चुटके यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में अब मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास टेंथ मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 14th चैप्टर संख की यानी स्टेटिस्टिक्स की प्रश्नावली 14.3 का क्वेश्चन नंबर 2 देखने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में जो दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक, माध्यक जिसको हम माध्यिका कहते हैं, यानी यम की वैल्यू आपको दी गई है और ये दिया गया है 28.5। तो कहा जा रहा है यक्ष और वाई का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यक्ष का मान आपसे पूछा जा रहा है और फिर आपसे वाई का भी मान पूछा जा रहा है कि यक्ष और वाई का मान क्या होगा। देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो वर्गंतराल दिया हुआ है 0 से 10। देखिए पहले वर्गंतराल 0 से 10, इसके बाद दिया हुआ है 10 to 20 और फिर 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 और फिर ये लास्ट में दिया हुआ है 50 to 60। और फिर देखिए इसमें बारंबारता आपको दी गई है, बारंबारता जिसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं या FI से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपको दिया हुआ है 5, यक्स 20, 15, वाई और फिर दिया हुआ है 5 और यहाँ देखें इनका सम हमको दिया हुआ है, इनका जोड़ दिया हुआ है और ये दिया हुआ है 60, यानी सिग्मा FI की वैल्यू आपको 60 दी गई है। देखें हम एक काम करते हैं, हम यहीं से कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं यानी CF निकाल लेते हैं, जिसको हम हिंदी में संचयी बारंबारता कहते हैं, संचयी बारंबारता हम निकाल लेते हैं। देखिए क्या होगा, तो पहली संचयी बारंबारता पहले वाले वैल्यू के इक्वल होती है, फिर दूसरे वाले में इसको हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 5 + x और 5 + x में हम 20 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 25 + x और 25 + x में 15 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 40 + x और 40 + x में हम y जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 40 + x + y और 40 + x + y में हम 5 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 45 + x + y। अब चलें एक बात हम आपको यही बता दें, हमने कहा था कि संचयी बारंबारता का जो सबसे लास्ट स्टेप होता है ना, वह बारंबारता के योग के बराबर होता है और बारंबारता का योग आप 60 देख रहे हैं और यह अंतिम स्टेप देख रहे हैं 45 + x + y, यानी 45 + x + y इक्वल टू 60 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर x प्लस y की वैल्यू निकालें तो 60 - 45, यानी ये x प्लस y की वैल्यू हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 15। चलिए x प्लस y की वैल्यू निकल गई, अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए आपकी सबसे अधिकतम बारंबारता कौन है, तो सबसे जो अधिकतम बारंबारता है वही f होगा और f के सामने हम आ जाएं तो वर्गंतराल में जो लोवेस्ट वैल्यू होती है वो l की वैल्यू होती है और फिर देखिए बारंबारता के ऊपर एक स्टेप ऊपर जा कर के उसके सामने जो संचयी बारंबारता में होता है वही CF होता है। अब सबकी वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं, रख करके हम सॉल्व कर देते हैं तो यम की वैल्यू 28.5 इज इक्वल टू, हम सॉल्व करने जा रहे हैं
यन की वैल्यू है 20 और प्लस देखिए यन बाई टू, यन की वैल्यू 60 होगी, जो सिग्मा एफ आई होता है वही यन की वैल्यू होती है ये 60/2, और माइनस हो जाएगा सी एफ, सी एफ जो है 5+x है, तो ये हो गया आपका -5 और माइनस यक्स हो जाएगा, और अपान हो जाएगा यफ, तो यफ की जो वैल्यू है 20 है और यच जो होता है इनका अंतर होता है, तो इनका अंतर 30 और 20 का अंतर आप देख रहे हैं ये है 10। अब इसको फिर हम आगे बढ़ रहे हैं और ये देखें हम ऐसा करते हैं, ये जो 20 है इस 20 को हम बराबर के पहले ला सकते हैं, तो बराबर के पहले हम ला दे तो 28.5 - 20 = देखिए अब 2 से इसको हम डिवाइड कर दे तो 30 हो जाएगा, ये हो गया 30 - 5 - x / 20 और इनटू हो जाएगा 10, 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए 2 हो गया। अब देखिए 28.5 में से 20 माइनस कर लीजिए तो ये हो जाएगा 8.5, और सुनिए हम 2 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो 2 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए ये हो गया, और देखिए 30 - 5 कर देंगे तो ये हो जाएगा 25 और माइनस हो जाएगा यक्स। अब फिर हम इसको सॉल्व करें तो 8.5 में 2 का गुणा कर देंगे तो ये 17 हो जाएगा, और ये बराबर 25 माइनस एक्स, माइनस यक्स को अगर हम लेफ्ट में ला दें तो प्लस यक्स, यक्स इजकल टू 25 - 17 हो जाएगा। तो फिर अब यहाँ से 25 में से 17 माइनस कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 8, यक्स की वैल्यू निकल गई, और यक्स की वैल्यू निकल गई तो यक्स की वैल्यू हम यहाँ रख लेते हैं, वाई की वैल्यू निकल जाएगी, एक्स की वैल्यू है 8+y = 15, तो y की वैल्यू निकालेंगे 15 - 8 हो जाएगा, यानी y की वैल्यू हो जाएगी 15 - 8 कर दीजिए 7 हो जाएगा। तो इस प्रकार आपसे आंसर इसका जो होगा x की वैल्यू 8 हो गई और y की वैल्यू 7 हो गई, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 था ये सॉल्व होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, एक जीवन बीमा एजेंट, कोई एजेंट है LIC का, 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन, 100 ठे पॉलिसी धारक हैं यानी जिनका LIC किया गया है, कि आयु के बंटन के निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करता है। माध्यक आयु परिकलित कीजिए, माध्यक आयु यानी माध्यक ज्ञात करना है, माध्यिका ज्ञात करना है, यम की वैल्यू आपको ज्ञात करना है, माध्यक आयु परिकलित कीजिए यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जिनकी आयु 18 वर्ष या इससे अधिक हो परंतु 60 वर्ष से कम हो। तो देखिए पॉलिसी जो दी जाती है वो 18 से अधिक और 60 से कम को दी जाती है, तो अब देखिए सबसे पहला जो अंतराल दिया है 20 से कम, तो जानते हैं क्या करेंगे, यहाँ डैश दे देंगे और 20। एक चीज़ सुन लीजिए, प्रश्न में कह दिया है कि LIC 18 या 18 से ऊपर के लोगों का किया जाता है, तो इसका मतलब पहला वर्ग अंतराल जो होगा वो 18 से ही शुरू होगा, क्योंकि 18 बरस से कम उम्र के जो लोग होंगे उनका LIC होगा ही नहीं, तो ये 18 से 20 दिया हुआ है। इसके बाद दिया है 25 से कम, तो 25 से कम माने 20 से 25, समझ लीजिएगा 25 से कम, देखो इसको हम ऊपर वाले को कह सकते हैं 20 से कम, इसको हम कह सकते हैं 25 से कम, इसी तरह से आगे हम बढ़ें तो 30 से कम यानी ये हो जाएगा 25 से 30, फिर ये हो जाएगा 30 से 35,
फिर ये हो जाएगा 35 से 40, और फिर ये हो जाएगा आपका 40 से 45, फिर ये हो जाएगा 45 से 50, फिर ये हो जाएगा 50 से 55, और फिर ये हो जाएगा 55 से 60। क्योंकि प्रश्न में आपसे ये भी कहा है कि 18 वर्ष से कम उम्र के लोगों का LIC नहीं हो सकता, और 60 साल से जो लोग ऊपर होंगे उनका भी LIC नहीं होगा। तो ये वर्गंतराल यानी आयु होगा वर्षों में, और इसके बाद पॉलिसी धारकों की संख्या। तो पॉलिसी धारकों की संख्या का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी आपको दी गई है यानी FI की वैल्यू आपको दी गई है। तो FI में देखें क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो दिया हुआ है ये है 2, और इसके बाद दिया हुआ है 6, फिर दिया हुआ है 24, और फिर दिया हुआ है 45, फिर दिया हुआ है 78, और फिर ये है आपका 89, और फिर आपको दिया हुआ है 92, और फिर हम आगे बढ़ें तो ये आपको दिया हुआ है 98, और फिर ये दिया हुआ है आपको 100 दिया हुआ है। तो अब ज़रा ध्यान पूर्वक देखें, आपसे पूछा क्या जा रहा है। देखिए अब हम यहाँ पर देखें, आपको बता दें कि ये पॉलिसी धारकों की कुल संख्या दी गई है। इसका मतलब ये हुआ कि ये संचयी बारंबारता दी गई है। तो संचयी बारंबारता दी गई है तो हमको बारंबारता निकालनी होगी, और बारंबारता निकालने के लिए हमने आपको बताया था कि जो सबसे पहली बारंबारता और संचयी बारंबारता दोनों सेम होती है। इसके बाद देखिए 6 में से 2 माइनस करेंगे तो 4 हो जाएगा माइनस, संचयी बारंबारता का अंतर निकालते हैं तो फ्रिक्वेंसी निकल जाता है। तो फिर क्या होगा, 24 माइनस 6 करेंगे 18, 45 माइनस 24 करेंगे 21, 78 माइनस 45 करेंगे 33, 89 माइनस 78 करेंगे 11, 92 माइनस 89 करेंगे 3, 98 माइनस 92 करेंगे 6, और 100 माइनस 98 करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब चलिए अब बिल्कुल साधारण तरीके से हम लोगों को ज्ञात करना है, देखेंगे कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो है 33 है। अब देखिए आप, तो इसके लिए यल की जो वैल्यू होगी वो 35 हो जाएगी। अब फिर इसके ऊपर हम आ जाएं देखें, तो इसके ऊपर जो ये नंबर होगा चौथा नंबर, ये हो जाएगा आपका CF, और इनका टोटल जो होगा वो 100 होगा, प्रश्न में ही दिया हुआ है। तो ये कैपिटल N की वैल्यू हो जाएगी 100। अब इसके बाद आप ध्यान पूर्वक देखें, हम यहाँ पर वैल्यू सॉल्व करते हैं, रखते हैं यहाँ पर। तो यम की जो वैल्यू हमको ज्ञात करनी है, और देखें यल की वैल्यू क्या दिया हुआ है, यल की वैल्यू हो जाएगी 35, और प्लस हो जाएगा N बाई 2, कैपिटल N, कैपिटल N की वैल्यू आपको दी गई है 100 बाई 2, और माइनस CF की वैल्यू क्या हो जाएगी, 45 हो जाएगी। ये हो गया 45, और अपान F की वैल्यू 33 हो जाएगी, ये हो गया 33, और फिर इंटू H जो होगा इनका अंतराल होगा, तो इनका अंतराल हो जाएगा ये आपका 5 हो जाएगा। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, देखते हैं वैल्यू क्या निकलती है। m इक्वल टू 35 प्लस 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो 50 हो जाएगा, और 50 माइनस 45 करेंगे तो 5 हो जाएगा, और 5 इंटू 5 कर देंगे तो 25 हो जाएगा, 25 अपॉन 33। अब हम जो है यहाँ वैल्यू ज्ञात करते हैं 35, और प्लस 25 में 33 से डिवाइड कर दिया जाए
अब हम देखें ये 25 को 33 से डिवाइड कर दें तो ये 0.76 आ जाएगा और फिर इनको हम जोड़ लेंगे तो 35.76 आ जाएगा। तो यही आपसे पूछा जा रहा था माध्यक या कह लीजिए माध्यिका। तो इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लिए और हमें उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये जो दोनों क्वेश्चन बताए गए हैं ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।